भारतीय युवा कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव दानिश सैफी ने नगर पंचायत अगवानपुर में काफी दिनों से पशुओं की हो रही मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया है। सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह को एक ज्ञापन पेश किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि पशु विभाग की लापरवाही के कारण अगवानपुर में पिछले कई दिनों से पालतू पशुओं की मौत होना चिंता का विषय है। आरोप लगाया गया कि 2 साल से पशुओं का टीकाकरण नहीं कराया गया है, जिसके कारण पशुओं की मौत हो रही है। ये भी आरोप लगाया गया है कि पशुओं का बीमा न कराए जाने के कारण गरीब किसानों को उनके पशुओं का मुआवजा नहीं मिल सका है। इनके परिवार का पालन पोषण पशुओं पर ही निर्भर था। ज्ञापन के माध्यम से जिन किसानों के पशु मरे हैं उन्हें उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव दानिश सैफी ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, पशु दिन पर दिन अगवानपुर के मरते चले जा रहे हैं। मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था सिटी चैनल के माध्यम से, उसके बाद खानापुरी के जरिए उन्होंने अपने कुछ पशु विभाग के अधिकारी भेजे, उन्होंने बस फॉर्मेलिटी निभाई और चले गए। कितने पशुओं की मौत हुई? लगभग हमारे यहाँ 20 से 25 पशु मर चुके हैं। क्या कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्या मुख्य कारण मानते हैं? मुख्य कारण ये है, प्रशासन का इनका जो पशु विभाग है ना ही हमारे यहाँ 2 साल से टीकाकरण हुआ, जो पशुओं के टीकाकरण होते हैं, जबकि पशु विभाग का कहना है कि हर 6 महीने में टीकाकरण होना चाहिए पशुओं का, मेन वो। दूसरे, अगर पशुओं का बीमा होता तो इन्हें जो ऐसी समस्या है या और समस्या है, इनके 100 रुपये साल बीमे के जाते हैं, उसका 90% पशु विभाग उनका मुआवजा देता है। किसी भी कारण पशु मरे वो बीमे नहीं करे। इन्होंने कागजी तौर पर 50 बीमे बताए हैं, लेकिन अभी तक उसकी लिस्ट हमारे पास नहीं आई कि कहाँ किसका बीमा करा है, ना ही कहीं बताया है। अगर कोई मीटिंग होती है पशु विभाग की, नगर पंचायत में करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाई, फोटो खिंचवाई, चले जाते हैं। इसकी लापरवाही मानते चले, ये पशु विभाग की सीधी सी लापरवाही है। ये क्या चाहते हैं आप इसको? मैं चाहता हूँ जो गरीब किसान हमारे यहाँ के हैं, इनका जो पालन पोषण चलता है इनके पशु से ही चलता है, इनकी रोजी रोटी पशु ही है। इनके बेचारों के पशु मर चुके हैं, पूरे घर के घर उजड़ गए हैं पशु के, ना ही इनके लिए आप कुछ, वही जरिया था इनका। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। जैसे हम किसी इंसान की दुर्घटना होती है बिना बीमे के, उसे 31,000 का मुआवजा मिलता है। इस मौके पर अशोक कुमार, काजल, पारुल, विनोद कुमार, चंद्रवती, आशा, शाहजहां, मिथिलेश, सरोज, शकुंतला एवं जयपाल सहित अनेक पीड़ित किसान मौजूद रहे।